सबसे पहले तो ये टॉपिक किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि तो ये टॉपिक हमारा एनटीएससी से भी थोड़ा सा आगे का है, मतलब एनटीएससी में रेयरली चांस है छोटा मोटा पार्ट इसका अगर आ जाए तो, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको सोल्व करने में आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए 10th क्लास की बात की जाए तो, और जो बात 12th की होगी, 12th में नीट में जेईई मेंस में इसका कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन में फिर ये कन्फ्यूजन कर देता है, तो इसलिए उसके लिए मैंने इसको कंप्लीटली क्लियर कर रहा हूँ उस टॉपिक को पूरे को। टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑन इमेज बाय अ प्लेन मिरर, यानी अगर प्लेन मिरर या उसके सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट मूव करता है, आगे या पीछे मूव करता है, तो उसका उसकी इमेज पे क्या असर पड़ता है, इमेज कितना चलती फिरती नज़र आती है। तो इसको दो रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट को क्या नज़र आएगा, एक कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा हो रेस्ट पे हो दूसरा कोई बंदा तो उसे क्या नज़र आएगा, तो दोनों केस हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला केस मैंने लिया है जिसमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, मिरर एट रेस्ट है, मतलब मिरर हमारा रेस्ट पे है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो क्या होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ मान लो पी, ठीक है, ये इससे डी डिस्टेंस पे है, अगर ये इससे डी डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज भी कहाँ नज़र आएगी, डी पे नज़र आएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। अब मान लेते हैं कि पी उधर जा रहा था, अगर पी उधर जा रहा तो उसकी नई लोकेशन मैंने मानी P1 होगी, P1 और P वही ऑब्जेक्ट है, वही पर्सन है, बस वो उसकी नई लोकेशन है, तो वो अगर x डिस्टेंस उधर बढ़ जाए t टाइम में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है वो, उसकी वेलोसिटी x हो जाती है उस तरफ t टाइम में, तो इसकी इधर कितनी हो जाएगी इमेज, इमेज भी पीछे x खिसक जाएगी, तो अगर ये बाई चांस इधर चला होता तो इमेज भी कहाँ जाती, आगे आ जाती, तो वो भी x सेम डिस्टेंस से आगे आ जाती। तो अब अगर मैं इसकी लोकेशन देखूँ तो इनिशियल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो थी या डिफरेंस जो था ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पहला केस मेरा वही है कि ऑब्जर्व बाय द p, यानी कि अगर इसको ऑब्जेक्ट खुद देखे तो उसे क्या नज़र आएगा, मतलब जो पर्सन है अगर वो खुद की अपनी इमेज देख रहा है शीशे में और चलते हुए, खुद कभी पास जा रहा है कभी दूर जा रहा है, तो उसे इमेज पे क्या असर नज़र आएगा। तो पहला केस वो है एज ऑब्जर्व बाय द पी, तो पी के हिसाब से पहले डिस्टेंस था इमेज का 2D, और पी के ही हिसाब से अब नया डिस्टेंस है, क्योंकि ये P1 बन गया ना, तो ये बंदा भी यहाँ पे है, तो इस बंदे के हिसाब से अब जो नया डिस्टेंस है वो x plus d यानी 2D plus 2x है। उसी पर्सन के हिसाब से, क्योंकि P1 वही पर्सन है, सिर्फ लोकेशन नहीं बनाने के लिए मैंने उसको P1 नाम दिया है, मतलब अलग अलग नहीं है वो, तो नई लोकेशन होगी 2D plus 2x। तो अब निकालते कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी P को, तो कितना हो जाएगा, कितने डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होगी P को अपॉन टाइम, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कितने ऑब्जर्व हो रही है, 2D plus 2x नई लोकेशन है -2D ओरिजिनल लोकेशन थी अपॉन t, तो 2x by t यानी 2 times चेंज इन पोजिशन बाय t, यानी x by t क्या था, वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट के चलने की, क्योंकि वो x चला था t टाइम में, तो x by t क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी चलने की। तो ये क्या आ रहा है हमको, ये हमको नज़र आ रहा है यहाँ से कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी, 2 times द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि p का मतलब ऑब्जेक्ट था, तो वो दुगनी हो जाती है अगर वो खुद को देखे तो, यानी अगर वो पर्सन मिरर के पास आता है 10 meters per second पे, तो उसे अपनी वेलोसिटी अपनी इमेज 20 meters per second नज़र आएगी, अगर वही दूर जाता है 10 meters per second पे तो भी उसको 20 meters नज़र आएगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये पर्सन जा रहा है इधर, इमेज कहाँ जा रही है, उधर, तो ये बंदा अगर पास आता इमेज कहाँ आती, वापस आती, तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर जिधर भी ये ऑब्जेक्ट चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दुगनी इमेज वेलोसिटी उसको इमेज की नज़र आती है खुद को, तो ये यहाँ पे एक माइनस साइन भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड पे नज़र आएगी। इसको मैं एक और तरीके से प्रूफ करूँगा, पहले दूसरा चीज़ देखते हैं। केस टू है कि यही वेलोसिटी ग्राउंड वाले बंदे को कितनी नज़र आएगी, मतलब देखो आप अपने आप को देख रहे थे शीशे में, तो आपको तो दुगनी नज़र आ रही है चलते हुए, अगर कोई आपका भाई बहन हो वो खड़ा है वो चल नहीं रहा है, आप चल के आ रहे हो शीशे की तरफ और दूर जा रहे हो, तो उस ग्राउंड वाले बंदे को कितना नज़र आएगा, अभी उसकी बात हो रही है। तो वो वाले बंदे को इनिशियली देखो जो ग्राउंड पे बंदा था, यहाँ पे जो बंदा था उसके हिसाब से भी इनिशियल डिस्टेंस कितना था, डी प्लस डी यही था ना लोकेशन, तो उसके हिसाब से भी आपकी इमेज पहले 2D डिस्टेंस पर थी। इसको मानना बहुत करीब है ये आपके, क्योंकि ऐसे मानोगे तो आप लगे शायद इसमें ट्राइंगल क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, तो मैंने इसको बहुत करीब करीब माना, इसलिए मैं ट्राइंगल यूज़ नहीं किया, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस सेम माना है, तो ये 2D हो गया। और नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, तो नया पोजीशन वो 2D plus x हो जाएगी, क्योंकि इसके हिसाब से तो आप D plus x गया है ना, उसके लिए काउंट तो करता नहीं है, तो उसको कितना नज़र आ रहा है, D plus x यानी 2D plus x उसके लिए नई पोजीशन है। अगर दोनों को माइनस करें तो 2D plus x -2D upon time t यानी x upon t, यानी वही वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है सेम नज़र आ रही है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी अगर आपका भाई साथ में खड़ा है तो आप 10 meters per second से शीशे की तरफ जा रहे हो, तो आपके भाई को भी आपकी इमेज शीशे आपके पास आती हुई
अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी सेम 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये शीशा है, सपोज मिरर है, आप इधर आए और आपका भाई यहाँ पे खड़ा था, आप 10 मीटर पर सेकंड से पास आए, आपके भाई को लगेगा कि आपकी इमेज इधर से 10 मीटर पर सेकंड आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, आप दूर गए उस लगे वो दूर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब अपोजिट हो जाती है। तो ये चीज़ क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी होगी सेम वही जो ऑब्जेक्ट की है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन में वो अक्सर कन्फ्यूज करते हैं, डायरेक्शन पूछते हैं किस तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट। तो अब देखो इसी को करने का तरीका मैंने एक और लिया है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी अगर हम ए के रेफरेंस में बी के नज़रिए से अगर ए को देखते हैं तो उसको निकालने का सिंपल एक तरीका है कि उन दोनों की वेलोसिटी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल दो। मतलब ये सी भी हो सकता था, ये ग्राउंड भी हो सकता था, तो उन किसी दूसरे कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उन दोनों की वेलोसिटी को देखो और डिफरेंस ले लो, वो एक दूसरे के रिलेटिव उनकी वेलोसिटी होती है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ज़्यादातर केस में हम इसको ग्राउंड से लेते हैं, इसलिए इसको ए नॉट भी लिख देते हैं, और फिर कई केस में ए नॉट को अवॉइड भी कर देते हैं, ग्राउंड का लिखने का मतलब जीरो था उसको फिर कई बार हटा भी देते हैं और खाली वी ए माइनस वी बी भी लिख देते हैं। वैसे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कॉमन रेफरेंस से अगर उन दोनों की वेलोसिटी देखी जाएगी, उनका डिफरेंस आप करोगे, तो एक दूसरे के रेफरेंस में उनकी वेलोसिटी मिल जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगी, बाकी उसको भूल जाओ, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहे हैं। तो कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अभी अभी हमने देखा है कि ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से तो क्या हो रहा है, वो खड़ा है रेस्ट पे, उसको क्या दिख रहा है कि आप जा रहे हो पीछे, अगर वो देखे मतलब आप, आपका भाई यहाँ खड़ा था, आप यहाँ से चल रहे थे और पीछे जा रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कहाँ जा रहे हो इस तरफ, और आपकी इमेज कहाँ जा रही है उस तरफ, इस बंदे के हिसाब से इमेज कहाँ जा रही है उस तरफ, और आप कहाँ जा रहे हो उस तरफ। तो इस बंदे के अकॉर्डिंग, ग्राउंड के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है सेम। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो वहाँ से भी मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, 2 times वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिवर्स करोगे आप इसको तो वो फिर माइनस भी हो जाता है। मतलब मैथमेटिक्स कहीं जगह काम आता है, इसमें मैंने आपको मैथमेटिक्स करके दिखाया है। तो इसमें याद रखने वाली बात बस वही थी जो आपको बताया कि भाई अगर मिरर रेस्ट पे हो, वो बंदा चलता है तो खुद को दुगना नज़र आएगा, और ग्राउंड वाले को, रेस्ट वाले को वो सेम नज़र आएगा, बस डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। बस ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर ये आया तो डायरेक्ट आप जल्दी सोल्व कर सको, उसके लिए बात दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, अब ये था दूसरा केस उठाते हैं कि अगर मिरर चलेगा तो क्या होगा। तो ये सेकंड केस अब ले रहा हूँ, इसमें मिरर चला रहे हैं हम और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेस्ट पे है। तो ये मान लो मिरर है हमारा, ये थोड़ा सा चल गया आगे, और इसमें देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, तो इस बार वो एक ही बात होगी, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट बात कर लो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट बात कर लो, दोनों रेस्ट पर ही हैं। इसलिए मैंने वो लिखा भी अलग से कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस केस में एक ही बात है, तो ओवरऑल केस एक बनता है इसमें। तो वही उठाते हैं पहला केस कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या होगी। तो इनिशियली तो देखो वही 2D था, फाइनली क्या हुआ कि जब मिरर इसके पास आ जाएगा वाई डिस्टेंस से, मैंने लेट किया कि वाई डिस्टेंस के पास आ गया है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बनता है उससे, डी माइनस वाई बनता है, तो इतना ही पीछे क्या बनेगी इमेज, तो पी डैश पे क्या बनेगी उसकी इमेज, डी माइनस वाई बन गई। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो वो अब बन गया 2D - 2y। ये सिर्फ डिस्टेंस, देखो यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं डिस्टेंस चलूँ, वैसे तो पीछे वाला डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं हम, लेकिन वो नहीं माना हमने, यहाँ पे सिर्फ क्या लिया है डिस्प्लेस, टोटल डिस्टेंस की तरह लिया, मैग्नीट्यूड लिया है, साइन को किसी और तरीके से देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालता हूँ तो कट जाएगा ये -2y/t आ जाएगा, माइनस का क्या मतलब अभी क्लियर करूँगा, पहले 2 को छोड़, तो कितना 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर चलता है तो ऑब्जेक्ट को भी और ग्राउंड को भी इमेज दुगनी स्पीड से चलती हुई नजर आएगी जितने से मिरर चलेगा। अगर मिरर 10 meters per second चलेगा तो इमेज भी और इमेज ऑब्जेक्ट को भी और जो बंदा रेस्ट पे उसको भी, दोनों को ही वो 20 meters per second चलती हुई नजर आएगी। और किस तरफ, उसको इस माइनस की बजाय हम वैसे निकालते हैं, और वैसे निकालने का तरीका क्या है, तो अगर ये इधर जा रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इमेज भी कहाँ आ गई है, आगे आ गई है। तो इसका मतलब है कि जिस तरफ मिरर जाएगा उसी तरफ इमेज नज़र आएगी, लेकिन दुगनी स्पीड से। अगर मिरर जाता पीछे तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो डिस्टेंस बढ़ जाता, डिस्टेंस पीछे भी बढ़ जाता, इसलिए ओवरऑल क्या होता, वो डिस्टेंस 2 times हो जाता। तो वो चीज़ वहाँ पर फिर से क्या आती, अवे, जिस तरफ मिरर जाएगा उसी
तरफ जाती। तो यहाँ पे मतलब सिंपल इतनी बात आपको याद रखनी है, अगर मिरर चलेगा तो इमेज दुगनी स्पीड से नजर आएगी, जिस तरफ मिरर जाएगा उसी तरफ, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन वो साइन में ही करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड केस। अब बात करते हैं तीसरे केस की। अब करते हैं इसका लास्ट और फाइनल पार्ट कि जब दोनों चलेंगे तो क्या होगा। देखो दोनों चलेंगे तो क्या होगा, उसका मैंने रे डायग्राम दोबारा बनाया है। तो ये मिरर चला गया, वो उसमें तो क्या हो गया था, डी माइनस वाई हो गया था। अब ऑब्जेक्ट को मैंने आगे भेज दिया एक्स पर, मतलब दोनों का मैंने माना कि दोनों उसी तरफ चल रहे हैं, सेम साइड पर चल रहे हैं। तो ये इधर चला गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स हो गया तो इससे जो इमेज पहले डी माइनस वाई पर बनी थी वो भी पीछे एक्स और शिफ्ट हो जाएगी, तो वो यहाँ बन गई पी डबल डैश, यानी ये फाइनल इमेज बनी है दोनों की मूवमेंट के बाद। अब फिर से हमारे उसी कैलकुलेशन बेस पे आते हैं। तो केस पहला है कि ऑब्जेक्ट को क्या नजर आएगा, तो ऑब्जेक्ट को क्या नजर आएगा, इनिशियल तो 2D नजर आ रहा था उसको भी, क्योंकि पहले तो मिरर यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, 2D दिखाई दे रहा था। फाइनली क्या दिख रहा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को फाइनली नजर आ रहा है कि जो उसकी इमेज है वो यहाँ से ये डिस्टेंस बना उसका खुद का मिरर से डी माइनस वाई प्लस एक्स, और इतना ही दूरी पे क्या है इमेज। तो यहाँ फिर से मैंने साइन को नहीं लेते हुए सिंपल मैग्नीट्यूड पे काम चलाया है, तो 2D माइनस 2y प्लस 2x आ गया। इसको मैंने उसी फॉर्मूले में रखा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज y माइनस 2y प्लस 2x अपॉन t, तो 2 टाइम्स माइनस vm प्लस v0, ये आ गया। देखो ये साइन के साथ भी अगर आप चलोगे, विद साइन पे अगर आप चलते तो भी आंसर आ जाता है, लेकिन आपको तरीका सिखाऊंगा जैसे हम डॉपलर इफेक्ट में करते हैं कि चीज़ें को साइन के साथ नहीं, हम तरीके से कॉन्सेप्ट चलेंगे, उससे हमारा आंसर जल्दी आएगा और साइन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस तरफ ओवरऑल मूवमेंट होना है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने लास्ट बताऊंगा, फिलहाल अगर आप साइन से भी चलते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो केस टू जो है, केस टू है कि ग्राउंड को क्या नज़र आएगा, अगर कोई बंदा दूसरा रेस्ट पे खड़ा हो उसे क्या दिखाई देगा। तो ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से, ये ग्राउंड बन गया, तो ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से अभी भी जो मिरर है वो तो डी माइनस वाई पर ही है, लेकिन इमेज तो वहाँ बन गई डी प्लस एक्स और हो गया इमेज में, तो क्योंकि वो तो दूर जा चुका है, तो उसकी इमेज तो कहाँ चलेगी, जहाँ पे अब नई वाली है। ग्राउंड वाला बंदा यहीं पे है, वो दूर नहीं गया, तो उसका ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस उसका बढ़े कि इमेज तो पी डैश पे चली गई है। तो वो जब जोड़ोगे आप और माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस टू वाई प्लस एक्स अपॉन टी, यानी जो मिरर की वेलोसिटी है उसका इफेक्ट डबल हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साथ में, सॉरी ऑपोजिट का मतलब कुछ हो रहा है यहाँ पे, माइनस साथ में प्लस वी नॉट क्या हो जाएगा उसका वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो इसका एग्जांपल के साथ बताता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो यानी आपको एक बात याद रखनी है, अगर दोनों की मूवमेंट हो रही हो तो ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट होता है मिरर के चलने का वो डबल होता है। ग्राउंड के इफेक्ट में मिरर का इफेक्ट, ग्राउंड के हिसाब से मिरर का इफेक्ट डबल होता है, और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट सिंगल होता है इमेज पे, मतलब उसकी पावर, उसकी वैल्यू 1 चलती है, उसकी वैल्यू 2 चलती है। और अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो दोनों का इफेक्ट डबल हो जाता है, मैग्नीफाइड होता है, 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब उसकी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का भी डबल होगी और मिरर की वेलोसिटी का भी डबल होगी, दोनों का इफेक्ट डबल हो जाता है मिरर के अकॉर्डिंग। तो अभी सॉल्व करता हूं मैं, यानी एग्जांपल लिया है यहां पे, एक मिरर है वो 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और उसके आगे जा रही है कार 10 मीटर पर सेकंड पे, मतलब एक 10 मीटर पर सेकंड पे एक कार जा रही है आगे और 8 मीटर पर सेकंड पे एक मिरर जा रहा है उसके ठीक पीछे। तो अभी क्या हुआ, आपको पहले ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या कार में कोई बंदा बैठा हो तो उसे क्या नजर आएगा। देखो तो जो कार में बंदा बैठा होगा तो उसको ये पता है, एक एक करके उठाते हैं, डॉपलर इफेक्ट की तरह एक एक को उठाओ। पहले ये मानो कि मिरर रेस्ट पे है, सिर्फ ये बंदा चल रहा है, अगर ये बंदा चलेगा तो इसको 10 मीटर पर सेकंड पे उधर जाएगा तो 20 मीटर पर सेकंड पे पीछे नजर आएगी वेलोसिटी, तो 20 मीटर पर सेकंड पे ऑपोजिट नजर आएगा इसको वेलोसिटी का। ये कौन सा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, एक ही करके उठाना है। प्लस फिर क्या किया हमने, इसको रेस्ट मान लिया और मिरर को चलाया, तो मिरर को चलाओगे आप तो भी इफेक्ट क्या नजर आएगा इसको, क्योंकि ये तो चलता वो ऑब्जेक्ट है, खुद ऑब्जेक्ट है, तो इसे डबल नजर आएगा, तो इसको क्या दिखाई देगा, 2 टाइम्स यानी 16 मीटर पर सेकंड मिरर चल रहा है और इमेज चल रही है सेम साइड पे, क्योंकि मिरर उसी की तरफ आ रहा है जिधर मिरर जा रहा है, उसी साइड पे, सेम साइड पे उसको इमेज नजर आएगी। ठीक, मतलब क्या नजर, क्या बना है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को पहले मिरर को रोक लो, ऑब्जेक्ट जिधर भी जा रहा है उस बंदे को क्या नजर आएगा, उसके ऑपोजिट साइड में, ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड में इमेज जा रही है। ठीक है, यानी अगर बंदा उधर जा रहा है तो इमेज कहाँ जा रही है, उस तरफ, तो कितना नजर आएगा उसको, 20 मीटर पर सेकंड पे ऑपोजिट। और अगर वो जा रहा होगा 16 मीटर पर सेकंड पे, मिरर जा रहा आगे 8 से, तो उसको मिरर की वेलोसिटी की इमेज नजर आएगी 16 टाइम्स हो जाएगी इन सेम साइड जिस साइड पे मिरर जा रहा होगा। तो मिरर कहता है इमेज जाएगी इस तरफ 16 मीटर पर सेकंड पे, ऑब्जेक्ट कहता है इमेज जाएगी पीछे 20 मीटर पर सेकंड पे। तो अब खाली उन दोनों को देखो, एक कह रहा 16 आगे, एक कह रहा 20 पीछे, तो टोटल कितना बना, 4 पीछे, यानी कार वाले बंदे को लगा कि उसकी जो कार की वेलोसिटी इमेज है वो 4 मीटर पर सेकंड है पीछे की तरफ, तो कार वाले के हिसाब से कितना जाएगा ये, 4 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक,
तो 4 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जहाँ पे कार जा रही है उसके अपोजिट में वो चीज़ जाएगी। और अगर यही बात हमसे पूछी जाए ग्राउंड के हिसाब से, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा, उसमें सिंगल पावर आती है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ तो इमेज आएगी इस तरफ कितने से, सेम वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट। और ग्राउंड के हिसाब से जब मिरर चलेगा तो उसका इफेक्ट हो जाता है 2 टाइम्स, तो वो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड से और सेम साइड पे इस तरफ मिरर जा रहा है तो वो 16 मीटर पर सेकंड होगा सेम साइड। तो इन दोनों को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ग्राउंड कहता है कि इमेज जाएगी पीछे 10 से और आगे 16 से, पीछे 10 से और आगे 16 से, तो ऑपोजिट हो गए, नेट क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 मीटर पर सेकंड कार की ही तरफ, क्योंकि वो उस तरफ ही आ रहा है नेट, ओवरऑल कहाँ पे आ रहा है, कार की तरफ कह लो मिरर की तरफ कह लो, तो 6 मीटर पर सेकंड कहाँ पे आएगा, मिरर वाली साइड में, ये बनेगा इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम साइड, जिस साइड में मिरर जा रहा होगा उसी तरफ उसकी मूवमेंट होगी। मान लो डायरेक्शन बदल जाती तो क्या होता, ये अगर मान लो ऐसे रहा होता 10 मीटर पर सेकंड रहा होता तो क्या होता, देखो लिखते तो हम यहाँ पर भी वही कि मिरर के, क्योंकि ये मैंने किसके हिसाब से लिखा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखा है, जहाँ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट 20 मीटर पर सेकंड पे, और ये जिधर मिरर जा रहा है उसकी सेम साइड पे विद 16 मीटर पर सेकंड पे, तो मिरर जा रहा है इस तरफ तो ये 16 मीटर पर सेकंड किस तरफ हो गया, इस तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये भी उस तरफ, दोनों सेम साइड होगी तो कितना बनता 36 मीटर पर सेकंड, और नेट कहाँ पे आएगा उसी तरफ, तो इस तरफ नज़र आती है उसको इमेज 36 मीटर पर सेकंड पे, यानी कार वाले बंदे को अपनी इमेज अपनी ही तरफ आती हुई नज़र आती कितने पे, 36 मीटर पर सेकंड पे। और वही देखो यहाँ पे करूँ 10 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब किसका ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ऑपोजिट, वो इधर थी तो कहाँ पे आएगा उस तरफ, इस तरफ, और 60 मीटर पर सेकंड सेम, सेम किसका, सेम मिरर की वेलोसिटी का सेम, तो मिरर उस तरफ था तो वो भी क्या हो गया सेम, कितना बनेगा ये 26 मीटर पर सेकंड होता किस तरफ, 26 ही बनेगा ना, उसी तरफ होता। तो ये इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं हम, ओवरऑल जब मूवमेंट होती है कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसको सोल्व करने का ये तरीका था। उम्मीद है आपको पूरी मूवमेंट समझ में आ गई कैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा मिरर वाले केस में। हाँ, NTSC वालों से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा आप अगर करना चाहो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपके लिए था ये, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, और जो बच्चे हमारे नीट के हैं, जेई मेंस के हैं, एडवांस के हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है उनके लिए, तो मतलब 10th वालों के लिए भी ज़्यादा जरूरी होगा 12th में जाकर के। तो ये वो टॉपिक था, मैंने कॉमन उठा लिया, क्लियर, इतना ही।